मैंने कहा समीप जी इसमें तो काफी कुछ कर रहा है कैरेक्टर करे करोगी आ, मैंने कहा हाँ जी करूंगी मैंने कहा क्या है फिल्म का नाम कहते हैं कैरी ऑन जट्टा थ्री मैं कुछ फेक करने की कोशिश करती हूँ असलियत निकल आती है बाहर क्योंकि या तो मैं कुछ बड़ा वल्गर सा बोल देती हूँ <laughs> मैंने कहा गिपी जी अगर आपको विलन चाहिए ना लड़की जो सुपारी लेकर मार रही है बहुत इंजॉय कर रही है खून करना मैंने कहा ऐसा रोल देन कॉल लंबे डायलॉग बोल रही हूं और बीच में डॉक्टर के साथ ये भी डिस्कस कर रही हूँ भवनीत वो जो मेरा बैटल रहा है जो मैंने अपने आप को कैसे वापस खड़ा किया है वो ऑब्वियसली किसी को नहीं दिखता लोगों को एंगर दिखता है लोगों को फ्रस्ट्रेशन दिखता है यू आर जब भी हम मिलते हैं हमेशा आज मैंने पहली बार कविता की आंखों में आंसू देखे। कविता कौशिक नाल एक्सक्लूसिव गलबात देखो टिंगलिंगलिंग ओनली ऑन एबीपी on संचा सत श्रीकाल जी मैं भवनीत कौशल तुम वेख रहे हो एबीपी संचा कुछ ऐसे कलाकार पंजाबी इंडस्ट्री के आए हैं जिन्होंने छाप बहुत वक्त रही है उन्होंने परसनैलिटी ऐसी है जो कि जब कम करके चले भी गए ना उड़ीक रही कदों कुछ झलक दिखा दे कदों वापस आ जाए टीवी इंडस्ट्री की चंद्रमुखी चौटाला कविता कौशिक इज हेयर कविता वेलकम टू एवनीत फॉर दिस सचीट इंट्रोडक्शन मैं मेरे को बहुत कुछ है, है बोलण सच्ची क्योंकि मैंने अज भी आज भी जब मैं तुम्हें तो आँद ही किया कि कुछ ही ऐसे लोग ने जिन्हों की पर्सनैलिट में लोग चैरिश करते हैं टीवी इंडस्ट्री ने तो चंद्रमुखी चौतारा के दे रूप के साढ़े इतने फिल्मा दे विच तो कमाल किया लेकिन थोड़े टाइम तो बाद तो अपनी लाइफ के फिर बिजी हो गए है ना लेकिन हूँ कविता फिर वापस आँगे है ना चलाक दिखा फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बैक टू चंडगढ़ आउ आर यू फीलिंग और की कुछ चल रहा है सी पंजाब मैंने हमेशा बोला है मेरे दिल के ना बहुत करीब है क्योंकि मेरे पापा यहाँ पे पोस्टेड थे जी, जी. मैं अपने फादर से बहुत ज़्यादा अटैच टूँ इनफैक्ट जब से वो इस दुनिया से गए हैं मैंने अपने अंदर बहुत एक चेंज महसूस जी. किया है एंड जितनी चीज़ें मैं करती हूँ ना आई डू इट इवन नाउ फॉर माई फादर और जो चीज़ें मेरे फादर को बहुत प्यारी थी वो मुझे अब ज़्यादा प्यारी लगती हैं इसलिए पंजाब की बहुत मेरे को रिस्पेक्ट है एक दिल में एक बहुत स्पेशल जगह है बिकॉज पापा ने यहाँ पे सर्व किया है एज एन एस पी और पापा बड़ी बहुत वखरी पंजाबी बोलते थे मैं उतनी अच्छी नहीं बोल पाती गाला खांदे सी तुसी पंजाबी च <laughs> <laughs> नहीं एक्चुअली वो घर पे बिल्कुल स्वीट uh, mm -hmm. से बिहेव करते थे मेरे पापा बाहर एकदम शेर थे लेकिन घर में मम्मी के सामने बिल्कुल चूहे बन जाते थे तो mm -hmm. गाले गालियाँ वालियाँ तो नहीं बट डेफिनेटली द लव फॉर पंजाब कम्स फ्रॉम माई फादर क्योंकि mm -hmm. पापा ने यहाँ सर्व किया है और uh, हमेशा प्यार मिला है मुझे यहाँ mm अगर मैंने अपने करियर के किसी थोड़े से लो फेज में भी हूँ ना तो मुझे पंजाब ने हमेशा पिकअप किया है और मुझे प्यार दिया है तो पंजाब की रिस्पेक्ट ना मेरे लिए हमेशा हमेशा ऊपर रहेगी क्या बात है और इसीलिए मेरे ख्याल से फिल्मों के लिए आपने पंजाब को चुना था है ना यस एब्सोल्युटली हाँ जी हाँ जी एक्चुअली मैं ये भी मानती हूँ कि पंजाबी फिल्मों का की जो कहानियाँ हैं मैं आज भी ये बोलूँगी यस आई एम अवेयर कि पिछले दो साल में बॉक्स ऑफिस ने ज्यादा धूम नहीं मचाई है लेकिन Uh, पंजाबी फ़िल्मों की जो स्टोरीज़ हैं आप पहले की भी देख लो आई आई फील कि आजकल जो हिंदी सिनेमा में जो स्टोरीज बन रही हैं उससे कहीं बेटर है पंजाबी फिल्म स्टोरीज uh, हिंदी में आई थिंक वेब पे अब ज़्यादा बेटर काम हो रहा है कंपेयर टू हिंदी फिल्म्स या बट स्टोरीज़ जो पंजाब में मिलेंगी वो ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਰ ਮੱਚ ਬੈਟਰ ਔਰ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਮੂਮੈਂਟ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਦ ਇਹ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਫਾਈਨਲੀ ਕਵਿਤਾ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਵਨ ਐਂਡ ਓਨਲੀ ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ 3D ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾ ਦੁਆਰਾ ਚਲਕ ਦਿਖਾਣਗੇ ਆਪਣੀ ਹੈ ਨਾ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਰੋਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਸ਼ੂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੈ ਨਾ बहुत सारा फन है फिल्म में एंड गिपी जी यही चाहते थे कि ऑडियंस को ना एक बार में झटका देके मतलब प्रॉपरली <laughs> इसको अनाउंस करेंगे पहले कई आजकल के है ना सोशल मीडिया पे इतनी सारी चीजें लीक हो जाती हैं कहानियां लीक हो जाती हैं सीक्वेंसेस लीक हो जाते हैं गाने लीक हो जाते हैं तो ऑब्वियसली क्योंकि बहुत बड़, बड़ी पिक्चर है बहुत सारे कलाकार हैं बहुत कुछ जिसमें धमाल मस्ती है mm -hmm. तो ऑब्वियसली एज अ प्रोड्यूसर यू नो पूरी टीम चाहती थी कि बहुत ज्यादा कुछ पता ना लग जाए बाहर सो mm -hmm. so we'll... किसी की curiosity रुकी नहीं वीडियोस डालने की वहां पे। बट वही ना रोज सब वीडियोस डालते थे उसमें कोई ना कोई हालांकि मैं छुपती थी कि मैं mm -hmm. ना दिखूं एक सरप्राइज एलिमेंट तो रहे तो क्योंकि कहानी में भी एक थोड़ा सा ना सरप्राइज एलिमेंट mm -hmm. है बट

ये लगा कि थोड़ा सा जी भी लो ये जो रैट रेस में फंसे हैं ना कि नहीं मैं इससे बेटर वो मेरे से बेटर उसका ये चल गया मेरा ये आई आई डेंट वांट टू बी इन दैट दैट रेस एंड दैट हाय 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 ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ बिकॉज अंत नहीं है इस चीज़ का कोई राइट डेफिनेटली इट्स अ ब्लेसिंग जिस इंडस्ट्री में हम हैं काम मिलता है और टचवुड मुझे तो परमात्मा की कृपा से हमेशा मिलता है बहुत ग्रेटफुल हूँ लेकिन ऐसा लगने लग गया था मुझे कि ऐसा ना हो कि यार सेट पे ही पैकअप हो जाए ऑल्सो और भी कुछ टैलेंट्स है मेरे जो मैं हमेशा चाहती थी कि मैं करूँ लाइक like, मैंने बहुत स्टडी किया आयुर्वेदा की योगा की मैंने करी है स्टडी मेरी दादी आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनाती थी पूरे गाँव में देती थी वो जस्ट निःशुल्क okay. सबकी मदद करती थी और आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनाने का जड़ी बूटियों का ज्ञान हमारे एंसेस्टर्स

इवन मेरे हस्बैंड इवेंट्स करते थे उनकी भी पैंडेमिक के टाइम पे इवेंट्स कंपनी बंद हुई दैट्स व्हेन वी मेड द स्विच कि हम आयुर्वेद से रिलेटेड अपना स्टार्ट करते हैं कुछ mm. फिर जिन डॉक्टर्स के साथ मैंने अपना योग आ, किया ऋषिकेश में उनके साथ और अपने गांव के ट्रेडिशनल फॉर्मूलाज रेसिपीज के जी, साथ हमने ये अपना ब्रांड निकाला uh, मेरी मदर भी ऑफ कोर्स यू नो इन्वॉल्व हुई उसमें और मैंने उनकी मेरी मम्मी के नाम पर ही वो रखा अपर्णा आंटीज होम ब्यूटी सीक्रेट्स तो स्किन एंड हेयर केयर हमने स्टार्ट किया एंड भवनीत जब मैं वो जड़ी बूटियाँ पीसती हूँ जब मैं वो सारे फूल फलों इनके रसों में जब मैं वो सब काम करती हूँ ना मुझे इतना आनंद आया प्लस जब लोगों ने वो ट्राई करके हमें रिव्यूज भेजे टेस्टिमोनियल्स भेजे बिफोर एंड आफ्टर के जब चीजें भेजीं कि कितने दाग वगैरह थे चेहरे पे या स्किन खराब थी बाल झड़ रहे थे वो उनकी बेटर हुई है उनके नए बाल आए हैं जब लोगों ने ये हमें भेजे

लोगों को ना मेरी टोन समझ में नहीं आती अगर मैं कैजुअली किसी से प्यार से भी कुछ बोल रही हूँ तो मेरी ना थोड़ी अक्खड़ है जबान शायद क्योंकि थोड़ा देसी थोड़ा गांव वाला मेरा लहजा है चंद्रमुखी चुटाला को ज़्यादा बस चुकी है अंदर एक्चुअली <laughs> कविता बसी थी चंद्रमुखी में आई थिंक दैट्स वाई चंद्रमुखी डिड वेल बिकॉज वो बड़ा नेचुरल था और मैंने आ, शायद थोड़ा अपने पापा का भी मुझे वो हैंगओवर तो है आवाज पर्सनालिटी का लोग इस चीज को ना समझ नहीं पाते मिसअंडरस्टैंड करते हैं मोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम्स सो अब इनफैक्ट अब थोड़ा सा ना मैं टोन डाउन हुई हूं टोन डाउन हुई हूँ बिकॉज़ विथ एज यू स्टार्ट केयरिंग फॉर पीपल मोर तो मेरे को अब ना दूसरों की भावनाओं की कदर होती है पहले नहीं होती थी पहले तो नहीं समझ आई बात चल निकल वैसा ही बिग बॉस में भी हिसाब था हाँ, exactly. ये, वही वही क्योंकि ना जब बिग बॉस भी आया था ना तब भी बहुत लोगों को कविता समझ में नहीं आई जो लोग कविता से मिले हुए हैं वो कविता को समझेंगे कि कविता ऐसी ही है वो वहां भी बदली नहीं है मेरे लिए इतना लर्निंग था वो कि आप कैसे भी इंसान हो आपकी जबान मीठी होनी चाहिए आप अगर गुस्सा करते हो या अगर आप आ, तैश में आके कुछ भी बोल देते हो भले ही आपके एक्शंस कितने भी अच्छे हों दुनिया आपको नहीं समझेगी और भले ही आप कितने चलाक हो कितने मैनिपुलेटिव हो स्वार्थी हो लेकिन अगर आप शांत रहते हो और डिप्लोमेटिक बात करते हो ना दुनिया आपको सर पे चढ़ाएगी दुनिया वो ही समझती है तो मेरी ये ये मैंने सीखा कि एक तो आई हैड अ वेरी बैड टेम्पर अब उसका क्या रीजन है वो मैं मुझ तक ही रहे तो ठीक है बिकॉज इस ये मैंने खूब इस पे अध्ययन किया कि क्यों मैं इतनी इम्पेश हूँ टेम्पर क्यों है मुझे हुँ, हुँ. मैं क्यों बोल देती हूँ ऐसा हुँ. उसके जो भी कारण है वो मेरा बैटल है वो मैं लड़ रही हूँ वो मैं रोज अपने आप को बेटर करने की कोशिश करती हूँ <laughs> लेकिन मैंने सबसे बड़ी बात ये सीखी कि नो मैटर डू अगर आप नाराज होते हो यू आर एंग्री तो आप अपनी सारी क्वालिटी अपना सारा चार्म उसके हाथ में दे देते हो जिस पे आप नाराज होते हो बिल्कुल हो। और all उस पे आ जाती है और आप जो है यू लुक लाइक यू बिकम वाला बुरा बट दिस वॉज अ लर्निंग ये मुझे ना किसी ने शायद सिखाया नहीं ये मुझे किसी नहीं ये मुझे अः या ये एक्चुअली मुझे उस शो ने सिखाया दिस वर्ल्ड कुछ बोल दिया नहीं हो सकता और इसका लाइक बट फिर भी मैं कह सकता हूँ कि आपका टैलेंट है और लोगों की एक्सेप्टेबिलिटी है जो इतने सालों से आप ऐसी इंडस्ट्री जहां पर मैनुपलेटिव होना बहुत जरूरी है वहां पर आप सर्वाइव करके आपने राज किया है लाइक अगर मैं एफआईआर की बात करूं टीवी इंडस्ट्री में आपने सालों दर साल राज किया है आज भी अगर आ, मैं कह सकता हूं ये दंके की चोट पर कि अगर आज आ, कविता बोले कि मैं एफआईआर करना चाहती हूं तो ऐसे शो शुरू हो जाएगा बट कविता उस फेस से निकल चुकी हैं उससे ग्रो कर चुकी हैं यार मेरे है से ना? इतनी मेहनत अब कैसे होगी पता है मैं अब कभी-कभी जब <laughs> ये सोचती हूं ना नहीं जेन्युइनली यार भवनीत मैं अब सोचती हूं मेरे को हैरानी होती है कैसे कर लिया इनफैक्ट एक टाइम इतना टफ फेज था जब पापा जो है मेरे कैंसर से स्ट्रगल कर रहे थे जूझ रहे थे मैं सेट पे होती थी आठ आठ सीन करती थी जिसमें फाइट भी कर रही हूँ डांसिंग भी कर रही हूँ खूब थप्पड़ बजा रही हूँ लंबे लंबे डायलॉग बोल रही हूँ और बीच में डॉक्टर के साथ ये भी डिस्कस कर रही हूँ कि डॉक्टर ये बोल रहा है एडवांस स्टेज है हम कर रहे हैं सारी कोशिश कीमो भी चल रहा है लेकिन आप प्रिपेर रहिए फादर आपके हम नहीं बचा पाएंगे और इस ये सुन के भी मैं कर रही हूं। मतलब ये फोन काट के, अपने कैसे कर लिया नहीं। और वो मैं सबको बता वो आठ सीन मतलब सोलह घंटे होते हैं चौदह से सोलह घंटे मतलब है न? Yes, न? और, आ, उस और वो ये करने से पहले मैं सुबह थोड़ा योगा करके भी आती थी एंड उसके बाद जब इतना सा मेहनत एंड पापा के ऊपर भी इतना कोशिश रही कि उन्हें बचा पाए और जब नहीं बचा पाए नहीं। तो भवनीत वो जो मेरा बैटल रहा है जब मैंने अपने आप को कैसे वापस खड़ा किया है वो ऑब्वियसली किसी नहीं। को नहीं दिखता लोगों को एंगर दिखता है लोगों को फ्रस्ट्रेशन दिखता है बट नो वन अंडरस्टैंड कि आई वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ नॉट टू किल माई सेल्फ बिकॉज आई डेंट वॉन्ट टू लिव आफ्टर माई डैड वॉज इन दू नो तो इट्स बट आई वॉन्ट टू बी इंस्पायरिंग आई वॉन्ट टू टीपल कि नहीं ठीक है इंसान जो है बहुत कुछ लूज करता है इंसान गलतियाँ भी करता है बट अपनी गलती से सीखो और आगे बढ़ो और उस गलती को ना रिपीट ना करो सो लॉर्ड ऑफ थिंग्स हैपन इन लाइफ जो आपको एक बेटर इंसान बनाने के लिए होती हैं mm -hmm. तो अब मैं ये रियलाइज करती हूँ यू आर स्ट्रॉन्ग वन तभी जब भी हम मिलते हैं हमेशा yeah. है ना आज मैंने पहली बार कविता की आंखों में आज आंसू दिया अरे यार मेरे पापा की बात होती है ना तो मेरा फिर ही हो जाता है नहीं वो आज भी जहाँ भी होंगे वो इतना देख रहे होंगे कि जो प्रोडक्ट मैंने बनाया है वो बड़ा अच्छा है <laughs> यार अब अब बल्कि ना ये लगता है कि होते तो खूब इंजॉय करते मेरी पंजाबी फिल्में या मेरा गोवा का जीवन आके रहते उनको बहुत अच्छा लगता था गार्डनिंग वगैरह करना अब हमारे पास है वो सब जगह गार्डन एक चीज है जो आपकी पर्सनैलिटी के बिल्कुल उल्टा है वो है कॉमेडी तो लाइक जब हम देखते हैं कि आपने टीवी में बहुत कॉमेडी की लेकिन जब फिल्मों की बात आती है तब कॉमेडी की बात आई है तो अब इस बार फुल ऑन कविता वाली कॉमेडी हमें देखने को मिलेगी देखिए शूट तो करिए है। अब, अब कलाकार हैं अब आ, फाइनल प्रोडक्ट क्या निकल के आता है आई डोंट वांट टू टॉक बिग लाइक आई डिड लास्ट टाइम सो तो देखो मैं मैंने कॉमेडी करी है बाकी पता नहीं <laughs> मैं वही बता रही हूँ कि समीप जी को भी ना मैंने ये बोला था कि समीप जी अः अब ना, मतलब कुछ करने के लिए होना जिसमें लड़की भी कॉमेडी कर रही है ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़के कॉमेडी कर रहे हैं लड़की सिर्फ जो है सॉन्ग एंड डांस के लिए तो मेरे को बुलाना वरना मैं अपनी जड़ी बूटियाँ पीसने में बहुत हैप्पी हूँ जी <laughs> तो समीप जी का मेरे को फोन आया कैरी <laughs> ऑन uh, से you know, दो तीन महीने पहले एंडर की कविता uh, तुमने मुझे ये कहा था के टाइम पे कि रोल में कुछ होना चाहिए

Wow. कहते हैं मैंने कहा क्या है फिल्म का नाम कहते हैं कैरी ऑन जट्टा थ्री हाय हाय मैंने कहा अच्छा वेरी <laughs> गुड मैंने कहा शूट कहाँ है आ? कहते हैं लंदन मैंने कहा यू शुड हैव स्टार्टेड विद दिस मे बी देन ये मैंने लंदन जा रहे हूँ फिर मैंने कहा अब तो बल्ले बल्ले है oh, जी बाए, चलो एंड देन व्हेन आई रीच्ड एंड काम किया hmm. टीम hmm. के साथ वेरी नाइस पीपल यार प्रोडक्शन hmm. uh, इतना बढ़िया है गिप्पी जी का रवनीत जो उनकी वाइफ हैं मैं यही बोलती हूँ क्वीन और इसलिए नहीं कि शी इज अ क्वीन बिकॉज वो उनकी वाइफ हैं बट उनका जो बिहेवियर है जी, जी, का वो वो ऐसी हैं हैं कि अगर वो सेट पे आती और वो देखती हैं ठंड है अगर वो अपने बच्चे के लिए कुछ मंगा रही है ना कि भाई तू सूप पी ले वो पूरे सबके लिए मंगाई और वो इतनी केयरिंग प्रोड्यूसर इतनी केयरिंग इतनी मिलनसार इतनी हसमुख हैं वो आई जस्ट लव हर एंड इट जस्ट शोज इवन जब जो बच्चे हैं उनके जो तीनों बच्चे हैं अमेजिंग uh, शिंदा है फिल्म में. उसके साथ तो आपकी पूरी बॉन्डिंग हो गई है ना? शिंदा आई थिंक यू नो वाई बिकॉज course, लाइक like I said, लैंग्वेज थोड़ा सा बैरियर मेरे लिए है सब इतनी ठेठ uh, पंजाबी में गल कर दें तो थोड़ा मेरा मिस होता है लेकिन शिंदा और मैं वी बॉन्डेड ओवर वुलवरीन एक्समैन एवेंजर्स डेडपूल तो हम ये सब यू नो पूरा Marvel कॉमिक्स और ये सब पे हम हमारी बहुत बनी एंड इवन फिल्म थोड़ी उसको जो हॉर किड्स हॉरर जो उसको पसंद है मुझे भी पसंद है जी, जी. तो हमारी उस लेवल पे बहुत अच्छी बॉन्डिंग हुई एंड यस yes, मेरा पूरा जो लंदन शेड्यूल था नहीं होता तो मैं शायद थोड़ा सा यू नो आई वुड हैव गॉटन बोर्ड बट बिकॉज़ ऑफ हिम आई हैड अ ग्रेट टाइम और आप लोगों की जो बिहाइंड द सीन वीडियोस है ना वो देखकर ना ऐसे लग रहा है कि यार

<laughs> ये ये असली सवाल कितना बड़ा है। इस सच बताओ। ये सब मेरे को पता है मुंशी जी वही है मुंशी जी से पता कराऊंगा स्पेंड किस चीज पे करती है कर कुत्ते के टॉयस पे मैं बता रही हूँ मेरे जानवरों का जो मंथली खर्चा है ना वो मेरे से कहीं ज्यादा है आई एम वेरी सिंपल एंड बेसिक मैं तो मेरे हस्बैंड की पुरानी कार्गो पैंट पहन के खुश रहती हूँ

तू भी हिंदुस्तानी है मैं भी हिंदुस्तानी हूँ हम किसी को इम्प्रेस नहीं कर रहे हैं तेरा बॉस नहीं है तू मेरे को हिंदी में ही बोल सकता है कि मैम खाना कैसा लगा हुँ, हुँ, है ना बेचारे वो नए कई नए इंटर्न होते हैं हाँ हा, थोड़ा होता है उनको लैंग्वेज अफकोर्स हमारी फर्स्ट hmm. लैंग्वेज थोड़ी इंग्लिश है hmm. Hmm. तो इसमें कोई फील करने की बात नहीं है अगर आपको इंग्लिश नहीं आती hmm. गर्व से आप हिंदी में भी बात कर सकते हो करनी ही चाहिए तो hmm. मैं तो ये इनफैक्ट हमेशा बोलती हूँ hmm. 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 नहीं नहीं exactly. तो ये गल बोलती हूँ हमेशा की खाना बढ़िया था वो इंग्लिश में मेरे से करना मैं हिंदी में बात करती हूँ क्योंकि अभी भी चल रहा है आपका शूट दिल्ली में थोड़ी सी तमन्ना है या फिर कुछ ऐसे लुक्रेटिव ऑफर्स दिखे हैं जिसको कविता हाँ कह दे आने वाले टाइम में कुछ ऐसा लग रहा है कली जैसे हम बात कर रहे थे तो ये हो रहा था कि यू नो ये फिल्म वो फिल्म तो मैंने सडनली गिपी को कहा मैं गिपी जी अब ना मेरे को कोई अगर आपको विलन चाहिए ना लड़की जो सुपारी लेकर मार रही है बहुत एंजॉय कर रही है खून करना मैंने कहा ऐसा रोल देन को <laughs> अब मुझे विलन का रोल प्ले करना है आई डोंट हैव द पेशेंस टू प्ले आल्सो आई थिंक आई हैवंट आई क्रॉस द एज ऑफ डांसिंग एंड लुकिंग लाइक अ कॉलेज गर्ल आई एम आई एम गोना बी 42 ईयर अगले महीने <laughs> तो मैं फकर से बोलती हूं कि ठीक <laughs> है 20 21 साल

ियंस I, I like अब मैं ना बोलना सीख गई हूँ क्योंकि तब आई थिंक वही मैं बोल रही हूँ बहुत ही एक लो सेल्फ uh, क्या कहेंगे अप्रीशियेटिव फेज में थी वेर आई डिट वैल्यू माई सेल्फ और मैंने अपने आप को ना एक ऐसे सिचुएशन में डाल दिया uh, जो बहुत ही मेरे सेल्फ इस्टीम के लिए मैं खुद mm -hmm. को

डोंट लाइक मी डोंट लाइक मी आई लाइक माई सेल्फ और अब मैं एक मिनट भी इस मक में नहीं रह सकती यू नो सो उस चीज़ से भी मैंने ना बोलना सीख लिया है hmm. अपने आप को वैल्यू करना सीख लिया है पहले आई यूज टू जस्ट गो विथ की अरे इतना प्रेशर दे रहे हैं अरे चलो चलो ये भी करके देख लेते हैं चलो ये भी करके देख लेते हैं नाव ऑल्सो यू नो भवनीत एक कमाल की जो चीज़ हुई है उसके बाद वो ये हुई है hmm. पहले पहले मेरे दिल के और मेरे ना घर के दरवाजे हर किसी के लिए खुले होते थे हाँ कि कोई भी जैसे पार्टी हो रही है कोई चार लोग और लेके आ गए कोई कहीं भी आ गए आ, कोई मिलने आना चाहता है इस तो से यस यस कम होम हालांकि इंडस्ट्री के कुछ जो पुराने वेटरन फ्रेंड्स हैं मेरे वो मुझे हमेशा कहते कविता ये ना कर अपनी पर्सनल स्पेस को ना थोड़ा वो क्योंकि हर कोई अपनी एक अलग एनर्जी एवरी इज नॉट योर फ्रेंड ये चीज मैं समझती नहीं थी मैं बड़ा बेबाक तरीके से जीती थी ये मैंने सीखा कि नो सबसे पहले आप खुद को वैल्यू करो आप इतना बिखरे हुए रहोगे सबके लिए तो बिखेर देगी दुनिया अपने आप को वैल्यू करो क्योंकि दुनिया तो आपको कौड़ियों के नाम पे बेच देगी सो आई रियली अंडरस्टूड कि नो लर्न टू से नो ये लालच की नीनी दे आर ऑफरिंग सो मच वैल्यू योर सेल्फ फर्स्ट अंडरस्टैंड योर वर्थ कभी भी अपनी वर्थ ना दूसरे के हाथ में मत दो तो ऐसे उड़ा देंगे एग्जैक्टली exactly. yeah. चाहे कोई भी हो कोई भी हो बिल्कुल

बंद कर दिया दरवाजे <laughs> नहीं बट सो स्वीट ऑफ यू बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए अब हमें इंतज़ार है कि जब आपकी फिल्म का और डेटा सामने और सामने आए आए ट्रेलर हमारे हम पास बहुत सारी बातें और जब आप प्रमोशन्स पे आए हम बहुत सारी बातें तो करेंगे उस टाइम तक वो किरदार भी मिल जाएं जिसको लेकर कविता एक्साइटेड है कि मैं ऐसा किरदार करना चाहती हूं ताकि आपके कह सकते हैं काम को लेकर हम बहुत सारी बातें करें और दिल से कहूंगा कि जब भी आपसे मिलते हैं बहुत इंस्पायरिंग लगता है बहुत सारे लोग कई बार हमें पता नहीं होता है कि हम कितने लोगों को इंस्पायर कर जाते हैं और आपकी पर्सनैलिटी बेशक ऐसी अपने दर्शकों को बहुत आभारी हूँ आप लोगों के प्यार की और जितना भी दूर रहना चाहूँ या जितनी आलसी हो जाऊँ दूर नहीं रह पाती हूँ आप लोगों से क्योंकि जब भी आती हूँ पंजाब आ, You, even you inspire me. आप लोग आ, जिस तरीके से आप वॉर्म देते हो, इतना प्यार करते हो आप इंस्पायर करते हो कि नहीं करते चलो अपनी ऑडियंस को कुछ नया दो और जैसी मैं इंसान हूँ मैं डेफिनेटली आई होप कि ये वाली फिल्म खूब आप लोगों को पसंद आए आ, और भी कुछ नया अपने ऑडियंस के लिए लेके आऊंगी विलन का रोल करूंगी अब मैं क्या बात है हम ना हाँ, कराऊंगी न... अब आ, मैंने हंसा बहुत दिया मैं डरा ये सारी भावनाएं जो मन के अंदर है उसमें निकाल देंगी किरदार में मैं सच बोल रहा हूं बड़ा अच्छा करेंगी बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के गेंजु लिए गेंजु जल्द मिलेंगे इसी के साथ वी आर साइनिंग ऑफ प्रदेश नदी तमाम खबरें सिलसिला एबीपी सांझाते जा रही है थे कुछ ऐसे ही कलाकारों ਨਾਲ मुलाकात करवाते रहेंगे बाय